उनसे पूछा जाता है कि भाई ये जो वोटों को वोटों की हेरा फेरी करने का तरीका है, ये क्या चुनाव आयोग की असली वीवीपैट मशीन में काम कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि जो वोटर है उसका प्रस्पेक्टिव क्या है, उसका प्रस्पेक्टिव है वो जाता है ये चीज देखता है बैलेट यूनिट और यहां वोट देता है, और उसके बाद में वो अपना जो सिंबल को वोट देता है उसकी छपी हुई पर्ची इसमें देखता है। आप जब वोट कर रहे हो यहां पे भी वही दो चीज है, वोटर को नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, हमें नहीं पता है चुनाव आयोग की मशीन में क्या है, किसी को नहीं पता है कि उनके वीवीपैट में क्या है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वोटों की हेराफेरी हो रही है, लेकिन ये एक तरीका है कि इस तरीके से हो सकती है। हाँ, तो अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग एक वीवीपैट हमें मुहैया कराए, ताकि हम चुनाव आयोग की मशीन का अवलोकन करके उसके अंदर इस लूप होल को प्रदर्शित कर सके कि चुनाव आयोग की मशीन में भी इस तरीके की वोटों की हेराफेरी हो सकती है। तो उसके लिए हमने चुनाव आयोग को यह डीडी भेजा है, उसका आप फोटो देख रहे हैं जी। कुछ 38,000 रुपया वीवीपैट का कॉस्ट होता है, तो हमने 40,000 रुपए का डीडी भेजा है, और कुछ 100 पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन है भारत गठबंधन। तो भारत गठबंधन जो है, उन्होंने भारत गठबंधन ने उनकी 100 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए, या ईवीएम पूरी तरह हटा दीजिए, आप केवल बैलेट पेपर रखिए। उसके अलावा 42 पॉलिटिकल पार्टियों ने और भी उनको पत्र भेजा है। तो 142 राजनीतिक पार्टियों का ये हमारा गठबंधन है, भारत गठबंधन और ईवीएम हटाओ गठबंधन, और उसके लिए हम चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं, और इसी विषय के ऊपर आज ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन रखा है। अब एक प्रश्न आता है कि कैसे इसके अंदर कौन से वोटर को कौन से कैंडिडेट को जिताना है, इसकी कमांड कैसे भेजी जाएगी।